हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग सीएसपी इंस्टीट्यूट। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि है रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर। रेगुलर रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर, सो बेसिकली रेगुलर लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। अ लैंग्वेज इज सेड टू बी टू बी और रेगुलर लैंग्वेज लैंग्वेज के शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब, जब सम फाइनाइट फाइनाइट स्टेट मशीन मशीन रिकॉग्नाइजेस। ओके, एक लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज तभी होगी जब कोई फाइनाइट स्टेट मशीन उसको रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक है, तो जैसा कि हमने जितने फाइनाइट स्टेट मशीन्स हमने अभी तक बना के देखी हैं, FSMs, उसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात की थी। ठीक है, तो वो सारी हमारी कौन सी लैंग्वेज है? फाइनाइट सॉरी रेगुलर लैंग्वेज हो गई। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, कौन सी लैंग्वेज आपकी रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। सो व्हाट लैंग्वेजेस आर नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर लैंग्वेज? तो ऑब्वियस ही बात है, जिसकी हम फाइनाइट स्टेट मशीन नहीं बना सकते, जिसके लिए हम FSM, उन लैंग्वेज को जिनको FSM एक्सेप्ट रिकॉग्नाइज ना करें, जितनी भी देखो हमने साथ साथ में हम लेके चल रहे थे नॉट एल, तो वो जितनी भी लैंग्वेज थी वो हमारी FSM उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी, तो दे आर नॉट रेगुलर लैंग्वेज। ओके, मैंने लैंग्वेज की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी है, जी AGES languages, okay, not regular languages. अब पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि which are not recognized by any FSM, not recognized by any FSM. अच्छा, दूसरी कौन सी होगी? which require मेमोरी, जिसको मेमोरी की जरूरत हो। ठीक है, मेमोरी ऑफ FSM इज वेरी लिमिटेड। FSM की जो मेमोरी होती है, FSM हैज वेरी लिमिटेड मेमोरी, लिमिटेड मेमोरी, इट कैन नॉट स्टोर और काउंट स्ट्रिंग्स, इट कैन नॉट स्टोर और काउंट स्ट्रिंग्स, तो इतनी कम होती है कि ये कोई भी स्ट्रिंग को काउंट या स्टोर नहीं कर सकती है। तो एज एन एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कौन सी है जो कि नहीं है। मान लीजिए कि एक लैंग्वेज है आपके पास में, वो कह रही है कि शुरुआत की जो 5 स्ट्रिंग है वो रिपीट होनी चाहिए। अब मतलब जो ये 5 स्ट्रिंग शुरुआत की जैसे भी है, अगली 5 भी सेम ऐसी की ऐसी होनी चाहिए। तो अगली स्ट्रिंग के लिए, अगर ये स्ट्रिंग हमारी जाननी है तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए इसको हम स्टोर कर पाए, लेकिन हमें पता है कि हमारी जो FSM है उसके अंदर स्टोरिंग पार्ट है ही नहीं, बहुत लिमिटेड एरिया है इसके हम अंदर हम स्ट्रिंग नहीं स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, सो दिस लैंग्वेज इज नॉट एक्सेप्टेड, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय आवर FSM। ओके, क्योंकि हम मेमोराइज नहीं कर सकते इन 5 अल्फ़ाबेट्स को, कि ये अल्फ़ाबेट्स ये हो सकते हैं, अगर अगले वाली बात हो तो ये, अगर हमारे पास में ये 5 है तो अगले वाले भी यही 5 होने चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें इनको याद रखना पड़ेगा एंड दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। ठीक है, अच्छा ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, मान लीजिए कि आपके पास में है, ये हमारी लैंग्वेज है एक और, तो जितने नंबर ऑफ ए हैं उतने नंबर ऑफ बी होने चाहिए। सो ए ए बी बी,
बट यहाँ पर ए को हम काउंट कर रहे हैं, सो काउंट आ गया। और हमें ये भी पता है कि काउंटिंग फैसिलिटी हमारे एफएसएम में नहीं होती है क्योंकि मेमोरी बहुत ही लिमिटेड है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट रिकॉग्नाइज बाई एफएसएम मशीन। सो होप यू हैव अंडरस्टूड, दीज आर दी नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, दीज आर दी नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। सो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज एग्जाम्पल्स। अब हम अगला देखते हैं कि ऑपरेशंस ऑन रेगुलर लैंग्वेजेस, रेगुलर लैंग्वेजेस के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं। सो ऑपरेशंस ऑन रेगुलर लैंग्वेजेस, ओके। सो पहला जो ऑपरेशन है वो है हमारा यूनियन। यूनियन कहता है, उसका सिंबल देख लेते हैं हम। सपोज आपके पास में दो सेट हैं, दो लैंग्वेजेस हैं, ए यूनियन ए और बी। सो इसका सिंबल होगा यू, इस तरीके से, ठीक है। ये वही है जो कि हमने सेट थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा है। तो मान लीजिए कि एक्स हमारा एक स्ट्रिंग है, सो सच दैट एक्स इज या तो बिलोंग कर रहा है ए से, या फिर और इट कैन बी आइदर बिलोंग टू बी, ओके। सो दिस काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, ये हमारा हो गया यूनियन। तो एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, मान लीजिए कि हमारा एक लैंग्वेज है पी क्यू और दूसरी लैंग्वेज लैंग्वेज सेट है हमारे पास में टी यू वी, ठीक है। सो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए यूनियन बी हो जाएगा इन दोनों का यूनियन, पी क्यू आर टी यू और वी, ठीक है। सो ये हमारे पास में हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑपरेशन आपको समझ में आया, ए यूनियन। सेकेंड ऑपरेशन है हमारे पास में दूसरा कंकैटिनेशन, कंकैटिनेशन। सो उसका सिंबल ऑब्वियसली हमारे ये है, दिस इज द सिंबल ऑफ कंकैटिनेशन। सो डेफिनेशन देखते हैं इसकी, एक्स वाई हमारा कंकैटिनेटेड कंकैटिनेटेड है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स तो ए से होना चाहिए, जो स्ट्रिंग एक्स है वो ए से बिलोंग होनी चाहिए एंड स्ट्रिंग वाई है वो बी से बिलोंग होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं वही ए और बी, ऊपर वाला ए और बी ले लेते हैं, ठीक है। सो ए हमारा ये सेट है और बी हमारा ये है, तो उसके लिए कनकैटिनेटेड क्या हो गया, ए कनकैटिनेटेड बी जो सेट है वो ये हो जाएगा पी क्यू टी, एक्स शुड बी बिलोंग टू ए, ओके, एंड वाई कैन आइदर टी और यू वी। सो वाई कैन बी टी और यू वी, पी क्यू ओके यू वी। देन सेकेंड स्ट्रिंग आर, आर कैन बी कंकैटिनेटेड विद टी और यू वी, सो आर कंकैटिनेटेड विद टी और आर यू वी। सो दिस इज एज सिंपल सिंपल एज इट इज। नाउ वी हैव टू थ्योरम्स बेस्ड ऑन दिस। थ्योरम थ्योरम नंबर फर्स्ट सेज, थ्योरम नंबर फर्स्ट स्टेट दैट द क्लास ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज लैंग्वेजेस इज क्लोज्ड अंडर यूनियन। तो व्हाट डज इट मीन, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास में कोई लैंग्वेज है, अगर वो रेगुलर लैंग्वेज है, इफ ए इज रेगुलर लैंग्वेज, बी इज रेगुलर लैंग्वेज, तो ए यूनियन बी इज ऑल्सो अ रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। ऐसे ही हमारी थ्योरम नंबर टू कहती है कि थ्योरम नंबर टू कह रही है द क्लास ऑफ ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, मैं आर ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर
रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर कंकैटिनेशन। ओके सो दिस इज, इसका मतलब क्या है कि इफ यू हैव ए एंड बी आर रेगुलर लैंग्वेज, सो ए कंकैटिनेटेड विद बी इज ऑल्सो अ रेगुलर लैंग्वेज। सो होप यू हैव अंडरस्टूड इट। देन वी हैव अनदर ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड स्टार ऑपरेशन। ओके सो थर्ड वी हैव स्टार ऑपरेशन। सो वॉट डज इट मीन? सो स्टार ऑपरेशन मीन्स सपोज यू हैव ए, सो ए स्टार मीन्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स के सच दैट के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड ईच के आई बिलोंग टू ए। ओके इट शुड बी बिलोंग्स टू ए ओनली। सो डेफिनेशन तो शायद नहीं समझ में आई होगी, लेकिन इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक ए आपके पास में है भाई, पी क्यू आर ले लेते हैं, तो ए स्टार में कौन कौन हो सकता है? सो ए स्टार सबसे पहले एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कोई भी सेट का पार्ट होता है, हमने पहले देखा ही था, तो सबसे पहला हो गया एप्सिलॉन। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रिंग, कोई भी अपन स्ट्रिंग उठाकर उनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो क्या पी क्यू अकेला हो सकता है? ऑब्वियसली, ठीक है, या आर अकेला हो सकता है? यस। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन पी क्यू आर, फिर रिवर्स कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? यस बिल्कुल है। क्या दोनों एक साथ आ सकते हैं? पी क्यू आ सकते हैं? यस आ सकते हैं। क्या आर आर एक साथ आ सकते हैं? आ सकते हैं। क्या तीन बार पी क्यू आ सकते हैं? पी क्यू क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या ये हो सकता है? पी क्यू आर यस। सो लाइक दैट ये एक इन्फिनिटी सेट है, कितना भी हो सकता है। तो ए स्टार। वही एक और होता है हमारे पास में ए प्लस, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। सो थैंक यू गाइस, हैप्पी लर्निंग।